निकलो इधर, हाँ निकाल, मारो 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 मारो, तू एक नंबर चुड़ैल हो। एक पाव चीनी देनी दीदी। भागो, आपको सामान नहीं मिलेगा, भाग डाइन कहीं की। झारखंड, प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान जिसकी खूबसूरती किसी का भी मन मोह लेती है, परंतु दूसरी तरफ झारखंड का ग्रामीण इलाका कई तरह की विषमताओं जैसे अशिक्षा, कुपोषण, गरीबी, शराबखोरी, नक्सलवाद, मानव तस्करी आदि से भरा पड़ा है। इन विषमताओं में से डायन कुप्रथा झारखंड के चेहरे पर एक बदनुमा दाग बनकर उभरता है। डायन के नाम पर औरतों की हत्या करना, दुष्कर्म करना, संपत्ति हड़पना, समाज से बहिष्कृत करना आदि आए दिन सुनने को मिलता है। वैसे तो यह कुप्रथा देश के कई राज्यों में फैली, पर झारखंड में इसकी जड़ सबसे गहरी और सबसे व्यापक है। औसतन झारखंड के गांव में लगभग 3 महिलाएं किसी भी समय ऐसी मिल जाएंगी जिन्हें डायन बोला जाता है। इस हिसाब से पूरे राज्य में किसी भी समय ऐसी 1,00,000 औरतें होती हैं जिन्हें डायन बोल के सताया जाता है। डायन कुप्रथा सिर्फ आदिवासी महिलाएं, विधवा महिला या गरीब अनपढ़ महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी आग के जद में अब हर महिला है। सिर्फ औरत होना काफी है किसी को भी डायन की संज्ञा देने के लिए। यह कहानी भी एक ऐसी ही महिला की है जिसका नाम विमला है। वैसे तो ये कहानी काल्पनिक है, पर देखा जाए तो ये कहानी झारखंड के हर एक महिला की है जिन्हें या तो डायन कहा जाता है या भविष्य में कहा जाएगा। अरे विमला दी तो नहीं है, लगता है कहीं बाहर गई होगी। अरे दीदी आप कब आई? आ जाओ, तुमसे कुछ बात है भाई। क्या बात है दीदी? बैठिए, हम तो घर में नहीं थे, पानी लाने गए थे। अरे विमला, यहाँ पे चापाकल है भाई और तुम उधर से ला रही हो। यहाँ से हम पानी नहीं भरते हैं। ऐसा क्यों भाई? आ जाएंगे भरने के लिए तो वो लोग लड़ाई करेंगे। अरे ऐसा कुछ बात नहीं है, चलो चलो मेरे साथ तुम। अच्छा रुकिए, पानी को हम खाली करके आते हैं। ठीक है। कहाँ आ रही है यहाँ पानी लेने? नहीं देते हैं भरने, उसको नहीं जानती है। कहे भाई भरने नहीं देते हैं आप? ये डाइन है। ला विमला, हम भरते हैं, चलो तुम चला। नहीं देते हैं, उसको नहीं जानती है, नहीं देंगे भरने। ज्यादा पकड़ पकड़ कीजिएगा, चलो मुखिया से बात करते हैं। हम भरने गो। ऐसा बदतमीजी मत कीजिए भाई। मुखिया जी जोहार। जोहार जोहार दीदी, जोहार जोहार दीदी। हम रेशमा हैं और रांची से आए हुए हैं। ये क्या हो रहा है आपके गांव में? क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? इनको पानी भरने नहीं दिया जाता है, इनको डायन बोला जाता है, ऐसा क्यों भाई आपके गांव में? तुमको तो पता है ना, गांव से तुमको बहिष्कृत कर दिया गया है। क्यों? डायन है, इन्हें पानी तो क्या, इन्हें राशन भी नहीं मिलेगा, इसको बाजार हाट में सामान भी नहीं मिलेगा, इनका बच्चों को स्कूल में भी जाने के लिए मना कर दिया गया है। अब मुखिया होकर इस तरह से बात कर रहे हैं तो बताइए आगे इसको कोई भी कुछ भी कर सकता है? जानते हैं इसके बाद ये आपको जेल भी हो सकता है। जो करना है कीजिए, जाइए जहाँ जाना है जाइए। चलो विमला। अरे उसे हटाओ। ओ टाइम के बच्चे हट जा सामने से। मुके गांव को चुहा हम संगे खेल कौन देना आ टाइम को चुहा टाइम को चुहा के चिड़वाना हमें वहीं नहीं रो। चलो दूसरे पकी। दीदी मोर बेटा है के देखा थी हमारी स्थिति है गांव में, ये रो कह रहा है जिन बता लग डाइन कर बेटा कोई के खेल को नहीं देन, खेलाबो नहीं करे। अरे अब तो सर से पानी ऊंचा हो चुका है, अब चलो एसएजी में जाते हैं, बात रखेंगे इसका। चल बेटा कहो, चल चलो चलो बेटा। आपको समूह बैठक में मना किए थे, आप क्यों आए हैं? पैसा दे के आप चले जाइए। यह लगी नहीं आवत रहो दीदी, मैं देख थी छुआ मन होते डाइन कर बेटा कहके मोर छुआ के मार पीट के कैसन कर दे है। अरे हो मन मौके कहें तो समूह में ना आबे, का बात के मैं रख मोहिया। क्यों दीदी आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं? ये डायन है, डायन है, ये आपका एसएजी का ये मेंबर है दी, और आप इनको डायन बोल रहे हैं? आप नहीं जान रहे, आप भी एक महिला है दी और ये भी एक महिला है। आप लोग को सोचना चाहिए दी, कम से कम एक महिला को तो हम इस तरह से मतलब प्रताड़ित नहीं करें। आप महिला जब इनको आप डायन बोल रहे हैं, आपका एसएजी का ये मेंबर है और आप लोग खुद इस महिला को डायन बोल रहे हैं, बाकी आदमी क्या करेगा इनके साथ?
आप लोग को इनको सहयोग करना चाहिए था। आज हम एसएजी जोड़े हैं, किस लिए जोड़े हैं? क्योंकि आज हम एक दूसरे का साथ रहेंगे, कोई भी दुख हो सुख हो उसको हम लोग सहयोग करेंगे। और आज आप ही दीदी इनको आप डैन का के भगा रहे हैं। आज झारखंड में हर एक महीना में 4 महिला को डैन कह के हत्या किया जा रहा है। और आज हम महिला क्यों डैन है, पुरुष क्यों नहीं है? दीदी सही बोल रही है। सही बोल रहे हैं ना? हाँ। तो आप इनको क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं? आज के बाद सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे ना? हाँ करेंगे। आप लोग इस दीदी को एसएजी बैठक में बैठने के लिए आज दीजिए। हाँ आइए बिमला दी बैठिए। आज इस दीदी को आज सपोर्ट आप कीजिएगा तो ये दीदी को हिम्मत होगा, हौसला होगा। आप लोग ही छोड़ दीजिएगा तो ये दीदी कहाँ जाएगी? आज इनको डैन बोला जा रहा है, कल आपको, कल आपको, कल आपको बोला जाएगा, उस समय आप क्या कीजिएगा? आज ये दीदी डैन होती तो क्या इनके पास धन दौलत सारा कुछ रहता? आज ये दीदी के पास कुछ भी नहीं है, एक एक रोटी के लिए मोहताज हो रही है दीदी। ये दीदी सही बोल रही है, हम लोग को डाइन प्रथा को रोकने के लिए कुछ नियम बनाना होगा। क्या दीदी आप लोग सहयोग करेंगे ना? हाँ। तो पहला नियम होगा, कोई भी व्यक्ति किसी को अगर डाइन बोला तो पहली बार में सबके सामने माफी मांगना होगा, और दूसरी बार बोला तो जुर्माना और माफी, और तीसरी बार बोलेगा तो जुर्माना माफी और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, और चौथी बार बोलेगा तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। क्या आप लोग सहमत है? तो दीदी चलिए आप शपथ लेते हैं, सब कोई शपथ लेते हैं कि किसी को भी डायन नहीं बोलेंगे और अपने गांव को डायन प्रथा से मुक्त करेंगे। किसी को भी हम लोग डायन नहीं कहेंगे और डायन को मुक्त करेंगे। आज के बाद डैन नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। बस इतनी सी थी ये कहानी। हमारी इस काल्पनिक विमला को तो उसकी समूह की शक्तियों का साथ मिल गया, और इस तरह इस गांव की सभी महिलाओं ने ना सिर्फ विमला को पर अपने आप को भी इस डायन कुप्रथा नामक अभिशाप से बचा लिया। पर ये तो कहानी है, कहानियों का क्या, वो तो आपको खुश करने के लिए कुछ भी कही जा सकती है। पर हकीकत में, हकीकत की दुनिया अक्सर कहानियों से अलग होती है, और हकीकत तो यह है कि आज विमला तो हर गांव में मिलेगी, पर उसकी आंखें आज भी किसी रेशमा जैसी सहेली का इंतजार कर रही हैं कि शायद कोई रेशमा उसकी जिंदगी में सूरज बनकर आए और उसके साथ साथ उस गाँव की हर एक महिला के जीवन में नया सवेरा लाए। पर कहानी और हकीकत में एक फर्क और भी है। कहानियों में अक्सर कोई एक हीरो होता है, हमारी रेशमा जैसा, जिसके आते ही जुल्म के बादल अपने आप छटने लगते हैं। पर हकीकत में फरिश्ते नहीं होते, हम में से हर एक को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी और एक दूसरे के लिए खुद ही रेशमा बनना पड़ेगा। हमें एकजुट होकर जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा, कभी अपनों के खातिर, कभी अपनों के साथ। नारी तू नारायणी, तेरा होना है सम्मान, तू है ज्ञाता, तू ही माता, तू भारत की शान, तू भारत की शान, तू भारत की शान, तू भारत की शान।